पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाव! इंडिया में माहौल नहीं रह गया, तुम लोग झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे। आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के इस बयान पर संसद में सबसे खूबसूरत प्रतिक्रिया फारूक अब्दुल्ला ने दी। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना भी यहाँ, मैं भी यहाँ, हमने रहना है भी यहाँ। इसके सिवा जाना कहाँ। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने अल्पसंख्यकों के असुरक्षा के एहसास को लेकर अपनी हताशा एक कार्यक्रम में जताई थी। मेरा एक बेटा है और एक बेटी है। बेटा अभी हार्वर्ड में पढ़ रहा है, बेटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पास आउट कर चुकी है। जो देश का माहौल है, अब आप कहिएगा भाई आप तो खुद हो यहाँ, तो हमने कहा अपने बेटा बेटी को कि नौकरी कर लो उधर ही, अगर सिटीजनशिप भी मिले तो ले लेना। अब इंडिया में माहौल नहीं रह गया, तुम लोग झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे। बाद में जब बयान पर हंगामा मचा तो अब्दुल बारी सिद्दीकी की सफाई आ गई। कहा कि देश में नफरती माहौल बन रहा है, उसको लेकर उन्होंने अपनी बात रखी थी। इस बयान पर राजद के सहयोगी जेडीयू ने भी इतराज जताया है। अगर अच्छा माहौल होगा और अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो आखिर इस देश से बहुत सारे, आप जाके अमेरिका में पता लगाइए ना कि किस स्टेट के बहुसंख्यक लोग वहाँ की नागरिकता लेके व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, लगे हुए हैं वहाँ। देखिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है, माननीय अब्दुल बारी सिद्दीकी जी के साथ मैं विधायक भी रहा हूँ बिहार विधानसभा, और अभी भी वो विधायक है। इसी बिहार की धरती ने और इसी देश की धरती ने उन्हें विधायक, मंत्री और किसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष तक बनाया, और उनके बच्चे यहीं पले पोसे, यहीं जन्म लिए, यहीं प्राथमिक शिक्षा पाई, और आज वो लंदन में पढ़ रहे हैं तो उनको राय दे रहे हैं कि हमारा देश और हमारा बिहार सुरक्षित नहीं है। बीजेपी नेताओं के लिए ये पलटवार एक अवसर लगा। शासन का विफलता वो प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है, बिहार की सरकार से अपना ध्यान बांटने के लिए इस प्रकार का बयान कर रहे हैं, और ये अलगाववादी बयान है, देश को कमजोर करने का बयान है, और देश के मुसलमान इस भारत के अभिन्न हिस्सा। साफ है अब यह मामला राजनीतिक रंग ले चुका है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अच्छा होता लोग अब्दुल बारी सिद्दीकी पर हमला करने से पहले ये बात सोचते कि इतने पुराने पके हुए नेता को देश में ऐसा एहसास क्यों हो रहा है, और क्या यह एहसास और भी दूसरे लोगों को हो रहा है। लेकिन शायद हमारी राजनीति में इतनी गहराई से सोचने वाली संवेदनशीलता नहीं बची है। पटना में मनीष कुमार और नई दिल्ली में कैमरामैन सुशील लाठे के साथ राजीव रंजन, NDTV इंडिया।